यस बेटा हो, प्लीज सी इन योर मॉड्यूल वी आर गोइंग टू रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ डायगनल्स। आपको पता है कि एक्सक्यूज कोई मी मैम, यस मैम प्लीज जॉइन 8 थे। ओके कर लिया, आई एम वेटिंग फॉर 8 थे। प्लीज क्वेश्चन रीड करो एवरीवन, जब तक मैं स्टार्ट करती बोल रहा हूँ, क्योंकि डायगनल सर्किल के बारे में अपने बुक में भी पढ़ा हुआ है बेटा। स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। जो चीज आपको पहले से पता है मैं आपसे पूछूंगी। यस एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ए सेक्शन हैज कम। कैन यू हियर मी बेटा? यस ओके चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आपने मेरे को बताया था कि डायगनल्स कौन से होते हैं फिगर में, डायगनल्स क्या कर, कौन से डायगनल्स होते हैं अगर हम कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो उसके अंदर ए बी सी डी अगर इसका नाम है, तो डायगनल्स कौन से होते हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस कौन से होते हैं, उसे मैंने बताया भी था आपको। चलो आज मैं देखती हूँ किस किसने रिवाइज किया। नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस ए थे कनन शर्मा, यस आ गया जाओ। यस बेटा गुड मॉर्निंग मैम। नहीं मैम नॉन कंसेक्टिव मैम डायगनल्स व्हिच आर नॉट इन अ कंटिन्यूटी। which are not in continuity. Very good, very good. आपकी understanding बिल्कुल ठीक है. Please sit down. Yes. Are the vertices, you should say, vertices which are not in continuity. Vertices, not in continuity वाले कौन से हैं? A and C, B and D. जो opposite है एक दूसरे के. कह लो है ना बेटा, उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे डायगनल्स बन जाते हैं। तो आज हमने डायगनल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट कॉलम है आपका, कॉलम वन में देखो, डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल पी में है, क्यू में है, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, देन डायगनल्स ऑफ अ रॉम्बस, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप ये क्वेश्चन करोगे साथ साथ में इनकी फिगर भी बनाओगे, छोटी छोटी फिगर इसके साथ साथ। ओके फर्स्ट P point at diagonals of a rectangle. सबसे पहले आपकी फिगर रेडी होनी चाहिए, यहाँ पे P के सामने आपकी फिगर रेडी होनी चाहिए कि रेक्टेंगल कैसा होता है, और उसको ध्यान से देखो पहले सीधा रेक्टेंगल ए बी सी डी, उसको केयरफुली देखो कैसा होता है वो, और इसके डायगनल्स कैसे होते हैं, क्योंकि अभी हम डायगनल्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ड्रॉ करो, आपकी जो असाइनमेंट है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको आपने मैच करना है कॉलम टू। फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दूसरा है बाइसेक्ट ईच अदर, तीसरा है इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, चौथा है इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किसी को पता है रेक्टेंगल के डायगनल्स कैसे होते हैं? कोई डाउट, थोड़ा बहुत अगर किसी को क्लू मिल रहा है, थोड़ा सा डाउट है तो भी बता दो, कोई बात नहीं, फिर बार डाउट भी ठीक हो जाता है ना। एट टेप से मेरा हाथ खड़े हुए, प्लीज आ जाओ बच्चे, जो वॉल के साथ बैठा हुआ है बच्चा, यस कम फॉरवर्ड, आपने रेज हैंड किया था ना, यस कौन से बेटी, आगे आ जाओ, वेरी गुड। इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम, बहुत ही अच्छी ठीक प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। व्हाई आई एम सेइंग इट, व्हाई व्हाई आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, पता है ना आपको ए बी सी डी सारे के सारे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा डाउट ये भी होता है कि शायद उसके डायगनल भी राइट एंगल पे ही काटेंगे एक दूसरे को,
बट ऐसा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर, रेक्टेंगल की 90 डिग्री के कॉर्नर्स पे एंगल होते हैं, बट उसके डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते। ओके ये थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली होता है, अंडरस्टूड लगता है कि यहाँ 90 है तो वहां भी 90 होगा, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होता है, और वो आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है बेटा, बट वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को नहीं काटते। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी मैच कर रही है, अब तो सारे बता सकते हैं मुझे। यस, थर्ड थर्ड इज मैचिंग टू पी, यू कैन राइट डाउन। ओके, सेकंड फिगर, दिस इज थर्ड इज मैचिंग, यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ इट। क्यू, क्यू फिगर इज डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, फिगर ड्रॉ कर लो सामने, ए बी सी डी, उसके डायगनल्स ड्रॉ कर लो, स्केल की जरूरत नहीं है, छोटी सी फिगर बनानी है आपने, पेन से बहुत अच्छी फिगर बन जाती है। डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, विवेक सिंह 8 थे, 8 थे विवेक सिंह, या बताओगे बेटे डायग्नोस ऑफ स्क्वायर कैसे होते हैं। यस, थोड़ा फास्ट आया करो बेटे। यस यस, बोलो बोलो, किसी को सुनना नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस यस, आगे बोलो। बाइसेक्ट टीचर। बाइसेक्ट टीच अदर वाली। यस, और एट राइट एंगल। एट राइट एंगल, वेरी गुड। और दोनों बातें ठीक है आपकी, एक और चीज भी होती है, मैम इक्वल। इक्वल। एंड हु टोल्ड यू, ये भी बता दो, पीछे से मुझे पता है आवाजें आ रही थी, एंड यू आर लुकिंग बैक, जिसने बताया वो भी आगे आ जाओ, वेरी गुड, आई वुड लाइक टू आस्क हिम ऑल्सो। यस, गुड गुड, चलो गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। यस, बताओ आंसर, आप ही बताओ पूरा। यस, जल्दी से, एट मैम इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस, वेरी गुड, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने बोला, बट आई विल सजेस्ट बेटा, डोंट हेल्प अदर्स व्हेन आई एम आस्किंग, ठीक है। मेरे को सॉरी भी मैम। चाहिए कि किसको आता है किसको नहीं आता, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। सॉरी मैम। चलो इट्स ओके, सिट डाउन, किसी की हेल्प करनी कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन हेल्प ईच अदर, जब एक दूसरे से डाउट पूछते हो तो अच्छी बात है, बट टीचर की एब्सेंस में आप एक दूसरे से पूछ सकते हो, फाइन, कि मेरे को ये समझ नहीं आया मेरे को बता दो, या मेरे को यहाँ अटक गया क्वेश्चन में, हेल्प मी। यू मस्ट हेल्प ईच अदर, दैट इज अ गुड हैबिट, जिनको अच्छे से आता है, और जिनको नहीं आता दे मस्ट टेक हेल्प ऑफ अदर चिल्ड्रन जिनको पूरा आता है। ओके फाइन, एंड वन थिंग आई मस्ट टेल, जो बच्चा पहले आया था बेटा, जो भी आंसर बताने को कॉन्फिडेंटली बताना है, ठीक है। ओके, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको क्लैरिटी भी नहीं होगी कि मेरा ठीक भी है कि नहीं है, उसे बताया था मैंने, लिख दिया, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। सो से कॉन्फिडेंटली, तो तीन प्रॉपर्टीज इसकी आ रही हैं स्क्वायर के बारे में, इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी है, राइट एंगल भी है। ओके चलो, अभी आंसर बता दो, इसका किससे मैच करेगा। और फोर, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग टू इट। हम ये क्वेश्चन धीरे धीरे कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डायगनल की, जो भूल जाती हैं, क्योंकि हमें तो सारे फिगर एक जैसे ही लगते हैं, है ना। आर डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस ड्रॉ करो, अगर आप रोम्बस ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई भी नेम इसको लिख दो, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहाँ पे हम रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो रोम्बस के बारे में क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके डायग्नोस कैसे होते हैं। यस, मेरे को यहाँ से आवाज आ रही है, 8 थे में से। यस, से कॉन्फिडेंटली, वेरी गुड, आप डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे, इसका मतलब आपके माइंड में कुछ है,
यू वॉन्ट टू से समथिंग? यस बता दो बेटा, आगे जो गर्ल्स बैठी हैं. यस द डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर, वेरी गुड. एक और प्रॉपर्टी है इसकी, बाइसेक्ट भी करते हैं और क्या करते हैं? ट्राइंगल. राइट एंगल. यस, रोम्बस के डायगनल्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. ये परपेंडिकुलर होते हैं, प्लीज इसको ड्रॉ भी कर लो यहाँ पे. जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे आपको कभी नहीं भूलेगा, जब भी हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेंशन करते हैं. दे बाइसेक्ट ऑल्सो एंड दे आर एट राइट एंगल ऑल्सो, बट दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, यू कैन राइट डाउन फॉर योर ओन नॉलेज. डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू, डायगनल इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट डायगनल, इज नॉट इक्वल टू सेकेंड डायगनल, बट डी वन इज परपेंडिकुलर टू डी टू एंड बाइसेक्ट. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपकी प्रॉपर्टी सामने लिखी होनी चाहिए ताकि आपको कहीं भी यूज इसका आ जाता है. रोम्बस की बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में भी, और बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं स्क्वायर के साथ. ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर इसकी टू प्रॉपर्टीज हैं, वो बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं. तो विच प्रॉपर्टी इज मैचिंग? फर्स्ट. मैच कर रही है, वेरी गुड, यू कैन राइट डाउन फर्स्ट मैचिंग. बोर्ड इज क्लियर टू यू? यस, सबको क्लियर है, वेरी गुड. एस डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक ही प्रॉपर्टी अब तो बची है. तो वो जो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर सारे बता रहे थे, तो दिस इज द राइट आंसर, बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, कोई वो राइट एंगल पे नहीं होते, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की डायगनल्स. ओके, एस के साथ आपकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है सेकंड. वैसे भी जब मैच करते हो बहुत इजी लगता है ना, लेफ्ट ओवर जो होता है वो लास्ट में ही आता है, दैट यू नो ना. कई बच्चे उसको पढ़ते भी नहीं है, वो सीधा बस आंसर लिख देंगे डायरेक्टली, चलो ये बचा हुआ है तो ऑफकोर्स उसके साथ ही आएगा. होता है ना ऐसा, यू ऑल्सो डू लाइक दिस, है ना, इट हैपन्स वेन यू मैच. तो प्लीज रिमेम्बर दीज ऑल प्रॉपर्टीज, डायग्नल्स की प्रॉपर्टीज. आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम, जब भी हम बैठेंगे क्लास के लिए, दोबारा हमारी क्लास होगी, आई विल आस्क यू प्रॉपर्टीज ऑफ डायग्नल्स ऑफ दीज ऑल, प्लीज रिमेम्बर. ओके बेटे, सबने ये डायग्राम्स ड्रॉ किए अपनी नोटबुक में या फिर अपनी वर्कशीट में साथ साथ, प्लीज रिमेम्बर. ओके, जो आप नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बी ऑप्शन मैच कर रही है, सबने देख ही लिया होगा. ठीक है, बी इज मैचिंग टू दिस. पी थ्री है, क्यू आर है, सॉरी क्यू फोर्थ है, आर इज वन एंड एस इज टू. ठीक है, हमने भी सेम आंसर लिखे हुए हैं, प्लीज मार्क इट, बी ऑप्शन इज गोइंग विद दिस. ओके, चलो कम टू सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम. नोटबुक में आपकी डायग्राम ड्रॉ होनी चाहिए बेटे, आपकी नोटबुक में लाइंस ड्रॉ की हुई है, कम से कम 4 लाइंस को यूज करो एक फिगर ड्रॉ करने के लिए. शुड कवर योर 4 लाइंस ताकि थोड़ी बड़ी फिगर रहे और क्लियरली उसमें मेंशन हो उनके नेम्स, और बीच में हमने 1 2 3 भी लिखना होता है तो वो भी फिर बहुत अच्छे से आ जाता है. ठीक है बेटे, ड्रॉ इट. आपकी फिगर है, ड्रॉ इट. जो जो एंगल गिवन है उनको लिखो. ये आर टी है, दिस इज पी क्यू आर, दिस इज टी, दिस एस. ओके, एंड एंगल इज गिवन टू यू, ये डायगनल भी दिया हुआ है आपको, एस क्यू, यू कैन ड्रॉ. और जो जो एंगल गिवन है प्लीज राइट डाउन. क्यू पी एस इज इक्वल टू 100 डिग्री, दिस इज गिवन 100 डिग्री. एंगल और इनके वेरिएबल्स बहुत अच्छे से आपके मेंशन होने चाहिए अच्छी राइटिंग में, तो क्लियरली दिखना चाहिए. PQS is equal to 40 degree. PQS is equal to 40 degree. इसको लिख लो, जो जो गिवन है उसको लिखेंगे हम. देन PSR is equal to PSR, बिगर एंगल. ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसको बाहर लिख सकते हो या अंदर लिख सकते हो, जहां मर्जी, पूरा का पूरा एंगल. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट. क्यू आर, क्यू आर एस भी दिया हुआ है, क्यू आर एस, दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन. कितने सारे एंगल गिवन है, जब इतनी सारी चीजें गिवन हो तो इसका मतलब हमें ये सारे क्लूज दिए हुए हैं, अभी हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा. ओके, फाइंड क्यू आर टी. क्यू आर टी बाहर वाला एंगल हमें निकालना है.
this angle we have to find out. QRT. लाइन आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू एस क्यू. ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की हुई है एस क्यू के, तो अगर पैरेलल लाइन दी हुई है तो हम और अच्छे से इसको पैरेलल बना सकते हैं ताकि ना वो दिखने में बहुत अच्छा लगे, हमें बहुत क्लियरली दिखेंगी ये लाइंस. प्लीज इसको एक्सटेंड कर लो. प्लीज एक्सटेंड दिस लाइन बेटा. ये जो आपको पैरेलल लाइन दी हुई है ना उसको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि हमें देखने में इजी लगे. डॉटेड लाइन से यू कैन एक्सटेंड इट. नीचे को ड्रॉ कर लो. जब ये पैरेलल लाइन है तो ऑफ कोर्स इसके पैरेलल होगी वो, उसके सामने तो यही दिख रही है ना, और दी भी हुई है हमें, तो इसको भी एक्सटेंड कर लो इसके सामने सामने. डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो एक्सटेंड करके. ये टू लाइंस आपकी पैरेलल आ रही हैं. ओके पैरेलल लाइन गिवन थी लेकिन वो छोटी सी थी, हमने एक्सटेंड करके बड़ी कर ली है ताकि हमें क्लियरली दिखे और हम एंगल्स फाइंड आउट कर पाए, कौन से ऑल्टरनेट एंगल है, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, वो सारे. ठीक है बेटे, प्लीज राइट डाउन. ये 85 डिग्री दिया हुआ है, वी कैन राइट इट एज एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, और वी कैन राइट इट एज एंगल 3 एंड दिस वन एंगल 4 और ये भी 4, यू नो जो एंगल हमें निकालना है. ठीक है, क्यू आर टी वी हैव टू फाइंड आउट. राइट डाउन, फाइंड क्यू आर टी एंगल, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है. रेड रेड इंक में दिख रहे हैं आपको बेटा लिखा हुआ. ओके गुड. ओके अब फिगर को ध्यान से देखो कि हम शुरू कहां से करें क्वेश्चन. कई बच्चे नोट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम. फिगर ड्रॉ कर लो फिर उसको ध्यान से देखना है आपने. यस चलो सी द फिगर नाउ क्लियरली. बहुत सारे एंगल्स गिवन है, सबने लिख लिया, लाइंस पैरेलल दी हुई है, सबने ड्रॉ कर लिए उसको डॉटेड में. जब लाइंस पैरेलल होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. हैव यू रेड इट? यस. ओके तो आपको ये जो क्यू आर टी एंगल निकालना है इसका मतलब हमें क्यू एंगल 4 निकालना है जिसको हमने मेंशन किया यहाँ पे एंगल 4. ठीक है बेटा, जो चीज फाइंड आउट करनी है ना पहले उसके बारे में सोचो कि वो लोकेशन उसकी कहाँ पे है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे. कैन एनीवन टेल मी कि एंगल 4, ये वाला एंगल 4 और इस एंगल 4 का क्या रिलेशन है आपस में, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दे? ऑल्टरनेट एंगल बी. अभी इट बी बी सेक्शन. अभी आर यू देयर? यस बेटा बता दो जल्दी से. आपने सेवंथ में भी पढ़े हुए हैं, सिक्स में भी पढ़े हुए हैं ये एंगल्स. जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो इन एंगल्स से ये रिलेशन है अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स बिल्कुल ठीक बोला, पहले भी किसी बच्चे ने बताया था बैठे बैठे. चलो वेरी गुड, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, आपको पता है. इसका मतलब ये एंगल हमारा निकल सकता है अगर हमें इस अंदर वाले एंगल के बारे में पता चल जाए, हो सकता है ना ऐसा. जैसे ये निकलेगा वी विल से कि यार दे आर इक्वल. यस तो चलो चलो आंसर आ गया. ओके अभी वहां तक कैसे पहुंचना है? यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस ट्राइंगल पे आना है और इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को क्या बताना है पता है. और ये टू अगर मेरे पास पता चल जाए, मेरे को ये पता चल जाए कि टू की डिग्री कितनी है तो फोर की निकल आएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से, हो सकता है ऐसा? इज इट पॉसिबल? यस. हमने क्वेश्चन कहां से सोचना शुरू किया? जो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, हमें फाइंड आउट करना था ये वाला फोर. तो हमने सोचा कि ये तब आएगा अगर मेरे पास अंदर वाला फोर आ जाए. फिर मैंने सोचा कि अंदर वाला फोर मेरे पास तब आएगा जब मेरे को टू एंगल पता चल जाए ताकि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा पाऊं. ठीक है, अब करने से पहले मेरे को ये कि अगर मेरे को एंगल वन पता चल जाए तो टू भी पता चल जाएगा. तो एंगल वन कैसे पता करोगे?
टेल मी एंगल वन फर्स्ट, कोई बताएगा? ये ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल की, इसमें एक 40 डिग्री दिया हुआ है, एक 100 दिया हुआ है, कैन यू फाइंड एंगल वन? यस, विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी, प्लीज स्टार्ट डूइंग. यस, स्टार्ट डूइंग. इन ट्रायंगल एसपीक्यू, आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. फाइन, वैल्यू इसकी निकालो, एंगल 1 प्लस पी इज 100, दिस इज 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्लीज फाइंड आउट एंगल 1. मैम 40. 40, वेरी गुड, वेरी गुड. सारे करो बेटा, एवरीबॉडी डू. ये नहीं कि एक ने आंसर बता दिया तो सब लोग उसको कॉपी डाउन कर लेंगे. बहुत इजी कैलकुलेशन है, एंगल 1 आपके पास आ चुका है. अब एंगल 1 आ गया तो एंगल 2 कैसे आएगा? यस, एटी दिव्या, एटी दिव्या, आर यू प्रेजेंट? यस, गुड गुड. या बहुत जल्दी बच्चे आए. दिव्या, आर यू प्रेजेंट? एटी दिया, चलो इट्स ओके. चलो आपको पता है तो आप बता दो, बता दो, वेरी गुड. ये पूरा एंगल आपको 85 डिग्री दिया हुआ बेटा, पता है ना आपको, आपने लिखा हुआ है वहां पे नोटबुक में. ये पूरा एंगल 85 डिग्री है, उसमें से आपको एंगल 1 पता चल चुका है 40 डिग्री. कैन यू फाइंड एंगल 2? प्लीज फाइंड आउट 85 डिग्री माइनस 40 डिग्री. गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बताओ तो सही एटलीस्ट बेटा. इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, सबको पता है 85 डिग्री माइनस 40 डिग्री. यस, 45 डिग्री, वेरी गुड, 45 डिग्री. अगर आपको मेरे को बताने से पहले डाउट होता है ना, एक दो बार फटाफट चेक कर लिया करो और कॉन्फिडेंटली बोलो. यस, गलत हो ही नहीं सकता ये. ओके, एंगल 2 आ गया आपके पास 45 डिग्री, एंगल 1 भी आ गया. अब हम धीरे धीरे अपनी एम की तरफ जा रहे हैं, हम है ना. हमारा एम क्या था? बाहर वाला एंगल 4 ढूंढना. हम अभी दूसरे ट्रायंगल के बीच में आ चुके हैं, नीचे वाले ट्रायंगल के बारे में वी हैव नोन टू एंगल्स. ओके, नाउ कम टू ट्रायंगल. इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे अभी? एस क्यू आर, एस क्यू आर, नीचे वाला. ओके, इसमें आपको पता है एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है आपने. ओके, एंगल 2 आपको पता है 45 डिग्री प्लस एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस, फाइंड आउट एंगल 4. आपका आंसर आने वाला है अभी 65 डिग्री. इसको दो बार चेक करके बताना, ठीक है? यस, वेरी गुड. 65 डिग्री, ठीक है? बाहर वाला 65 पता चल चुके हैं, तो हम वी कैन राइट कि एंगल क्यू आर टी, देयरफॉर एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, अब आप केयर फ्री होके आपका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो हमने निकाला है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है? और अगर आपको रीजन लिखना हो तो क्या रीजन लिखोगे? व्हाई, व्हाई, व्हाई दिस इज आल्सो 45? Alternate angles, yes. आपके ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर एक स्टेप पे आपको रीजन बताना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी मैम, यस,
मैम आपने जहाँ लिखा है एंगल क्यू आर टी 45 डिग्री, मैम वहां पे 65 नहीं है ना? यस यस 65 आएगा, यस सॉरी यस, बोथ आर इक्वल 65. तो योर ऑप्शन इज मैचिंग बी. ओके यू कैन मार्क इन द मॉड्यूल ऑल्सो. चलो थर्ड क्वेश्चन बेटा, इसमें ये फिगर दी नहीं हुई है लेकिन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. शैल आई क्लीन इट? सबने नोट कर लिया? यस. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट फिगर की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा फिगर ड्रॉ करो. आपको थोड़ा सा इजी लगना हुआ, शुरू हुआ ये चैप्टर? Yes. फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो ये मुश्किल लग रहा होगा चैप्टर की, पता नहीं कितने सारे एंगल्स, कितनी सारी प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कभी 360 से डिवाइड करो, कभी किससे डिवाइड करो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने वाली. बट आज तो हमें बहुत सारे दिन हो गए ना, टुडे इज आई थिंक फिफ्थ डे वी आर डूइंग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, है ना? यस. इट्स क्लियर टू यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम यस. और आपको पता है हम रोज ही सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं, हर एक फॉर्मूला दूसरे से कनेक्टेड है. ओके तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आपको एंगल्स फाइंड आउट करने आते हैं इसमें क्वेश्चंस, या फिर डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज आती हैं, तो वो आपको सारी बस लर्न करनी है. एक बार काफी चीजें आपको पता चल भी चुकी हैं क्योंकि हम यूज कर रहे हैं रोज. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, इसके डायग्राम ड्रॉ की है आपने, एबीसीडी से रेक्टेंगल, इसकी एक एंगल भी दिया हुआ है हमें, सुंदर सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, फोर लाइंस यूज करनी है आपने नोटबुक की, एबीसीडी एंड विद बीएसी, बीएसी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 32 डिग्री, दिस इज 32 डिग्री, लिख लो इसको. डीबीसी वी हैव टू फाइंड आउट, DBC ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. ओके अभी बेटा इसमें आपको पता है कि रेक्टेंगल है, सबसे पहले फिगर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कौन सी होती है जल्दी से बता दो, क्या क्या पता होता है हमें रेक्टेंगल के बारे में? एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. क्या? डायगोनल्स. डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर. यस इक्वल एंड बाइसेक्टर. यस यू कैन राइट डाउन, लिख लो इसको. मैम ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री लिख लो, फटाफट से लिख लो इसको. ये ओ पॉइंट है मान लो, तो आप बताओगे कि आपने सबसे पहले बोला एसी इज इक्वल टू बीडी, फिर आप बोल रहे हो कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी लिख लो फटाफट कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. पता है आपको जब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इक्वल भी कर रहे हैं, तो इसके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. कोई डाउट है इस स्टेप में आपको? नो नो, बिकॉज दे वर इक्वल एंड बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है. ठीक है बेटे, एक थर्ड प्रॉपर्टी आपने मेरे को बताई है कि उनके सारे एंगल्स 90 डिग्री पे हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तीन प्रॉपर्टीज आपको पता है, और ये तीनों के तीनों सामने लिख दो, हमारे क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं क्योंकि रेक्टेंगल का क्वेश्चन है. ओके और जो एंगल आपको गिवन है उसके साथ वाला एंगल हम 1 बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी जरूरत पड़े, 90 से माइनस करके हम निकाल लेंगे एंगल 1. ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था? डीबीसी निकालना. डीबीसी जो हमें निकालना है उसको भी मेंशन कर लो, ट्रू एंगल लिख लिया हमने उसको. ओके बेटे, एंगल टू निकाले, टू हमने किसको लिखा है, जो हमें निकालना है. ओके और इसके साथ वाले एंगल को लिख लो 3, क्योंकि हमें 90 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको लिख लेते हैं. ठीक है चलो, थोड़ा सा क्लू बताओ मेरे को हाउ टू स्टार्ट. हमने मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, जो चीज हमें निकालनी है, एंगल 2 हमें निकालना है,
तो सबसे पहले अगर हमें एंगल थ्री पता चले, डोंट लुक एट द बैक, एवरीबॉडी लुक स्ट्रेट बेटा. टू वी हैव टू फाइंड आउट, तो हम पहले थ्री अगर हमें पता चल जाए वी कैन फाइंड आउट टू. फिर ठीक है, मैं आपको सोचने का बता रही हूँ क्योंकि आपको फिर एग्जाम में नए नए क्वेश्चंस भी आएंगे. यू शुड नो कि सोचना कैसे क्वेश्चन के बारे में जो चीज पूछी गई है. थ्री के बारे में, सॉरी टू के बारे में हमें बताना है, तो थ्री के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. थ्री आ गया तो टू बहुत इजीली वी कैन से 90 में से माइनस करके बता देंगे. ठीक है, एंगल थ्री कैसे आएगा हमारे पास, सोचो थोड़ा सा, सोचो इसके बारे में. तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज तुम्हारे सामने है. टू मिनट स्पेंड करो क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा सोचो कि अगर हमें एंगल टू थ्री पता चल जाए तो हम टू के बारे में बता देंगे. तो थ्री एंगल कहां से आएगा, ये दोनों इक्वल हैं, आपको पता है सारे इक्वल हैं, इनफैक्ट सारे के सारे इक्वल हैं. थोड़ा सा सोचो इसके बारे में. मैम मैम जो एंगल ए है उसको 90 से माइनस करके आंसर आ रहा है 58. अच्छा ठीक है मैम, और जो बी एंगल थ्री है वो आ जाएगा 58 एंड ऑपोजिट एंगल हो जाएगा वो 258 आ जाएगा आंसर. अच्छा तो थ्री आ जाएगा 58, फिर टू क्या आ जाएगा 90 में से माइनस करके, आप ये बोल रहे हो ना. यस ओके, तो एंगल थ्री हमारे पास 58 क्यों आएगा, क्योंकि हमने 32 को 90 से माइनस किया. 32 को 90 से माइनस किया. ओके तो आपने अगर इसको माइनस किया है, इसको एंगल वन आपने अगर निकाल लिया कि एंगल वन इज इक्वल टू 90 माइनस 32 है, ये निकाला है ना आपने, तो फिर आपने बोला 58 आ रहा है. ये निकाला पहले आपने, एंगल वन निकाला पहले. ओके 58 ये निकाला, तो फिर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि एंगल 358 कैसे हुआ, इसका रीजन क्या बताओगे, एंगल 358 कैसे आएगा. क्या वो एंगल 1 के इक्वल है, थोड़ा सा और सोचो. यू आर क्लोज टू द आंसर, वेरी गुड. थोड़ा सा मैं आपको क्लू देती हूँ, यूज़लेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ. इन ट्रायंगल ईओबी नीचे वाले ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ. आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरीबॉडी सेक्शन 8B नाम सुना है आपने बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल का. ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चलो ये आंसर तो हम बाद में करेंगे, पहले बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है. इसको रफ कॉलम में, अपना रफ कॉलम नहीं, आपकी जहाँ लिस्ट लिखी हुई है प्लीज वहां पे लिख लो. आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत बार यूज होता है हमारा, एबीसी आइसोसेलेस है तो उसमें आपको पता है आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, टू साइड इक्वल होती है, पता है सबको. यस पता है सबको, सबको पता है, रेशियो है, किस किस को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है. वेरी गुड, तो अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, वन इज इक्वल टू टू होता है, ये भी आपको. हैव यू रेड इट, रेज योर हैंड, कि अगर उसकी टू साइड इक्वल होती है तो आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. नहीं पता तो प्लीज राइट डाउन इफ एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल then AB
is equal to AC and angle 1 is equal to angle 2. ये आज उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो. जिस इसको ये याद आ गया कि यस हमने पढ़ा हुआ है, रेज योर हैंड. यस पढ़ा हुआ है आपने, यस ओके. तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि इन ट्रायंगल एओबी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए एंगल 3 विल बी इक्वल टू 32 डिग्री. Angle 3 will be equal to 32 degree. Reason, opposite angles of equal sides. Okay, isosceles triangle ki property hai. ठीक है, अगर angle 3 आपके पास 32 degree आ चुका है तो angle 2 क्या आएगा बेटा? 3 is equal to 32 degree है तो बहुत इजी है. अब तो 32 डिग्री माइनस 32 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री. ओके, एंगल 2 आपका आ रहा है 58 डिग्री. इस चैप्टर में जितने आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपका माइंड ओपन होता जाएगा और प्रॉपर्टीज आपको याद होती रहेंगी. ठीक है, डू मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन. ओके, इन दिस क्वेश्चन ठीक है, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम कि जो कुछ पूछा गया है, वट एवर इज आस्क्ड, वहां से शुरू करो कि अगर ये पता करने के लिए मेरे को ये पता करना पड़ेगा, ये पता चल गया तो मुझे वो पता करना पड़ेगा. धीरे 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 पूरा का पूरा फिगर आपका यूज हो जाएगा. इज इट फाइन? चलो बच्चे आगे करते हैं. एसोसिएशन रीजन, यस कम नीचे इसके क्वेश्चन है बेटा. एसोसिएशन, ईच पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. हु आर सेइंग फॉल्स? रेज योर हैंड. पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होता. वेरी गुड, फॉल्स. रीजन, ईच स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. डी ऑप्शन आएगी. एसोसिएशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. सिक्स क्वेश्चन, एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम. पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम. एट सी सेक्शन, कोमल इज प्रेजेंट. Yes, true or false beta? This every parallelogram is a trapezium. This is true. You know why? थोड़ा सा doubt हो रहा होगा आपको. Please sit down beta. Sit down. मैं बताती हूँ आपको क्यों है ये true. देखो आपका parallelogram कैसा होता है beta? This is parallelogram. जिसमें opposite sides सारी parallel होती हैं. ये side इसके parallel है, ये side इसके parallel है. Okay. यहाँ पे मैं पैरेलल की बात कर रही हूँ. ओके, पैरेललोग्राम. और यहाँ पे ट्रेपेजियम जो होता है उसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं. एक पेयर जो होता है आपस में पैरेलल होता है. ठीक है, तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम हो सकता है ना? यस और नो? यस. फाइन, दिस इज ट्रू. ओके, रीजन, trapezium is a quadrilateral in which a pair of opposite sides is parallel. I'm true. True. Very good. Trapezium की तो एक ही property है, बार बार उसी को use करते हैं हम. This is true. तो दोनों ही हमारे पास trapezium और parallelogram की बात हो रही है, तो फिर ये A option आएगी. All right? Yeah. Next question. Every kite is a trapezium. False. बात ही कुछ और है. Kite तो कुछ और ही होती है, जिसमें जो है वो साइड्स सिर्फ रियली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट नहीं होती हैं. ठीक है, काइट की ऐसी शेप होती है ना, काफी कम यूज होते हैं ये क्वेश्चंस में, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसकी कि इसकी सिर्फ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का साइड का मतलब जो बिल्कुल साथ साथ होती हैं, एडजॉइनिंग, वो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट नहीं इक्वल होती. ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम नहीं हो सकता. दिस इज फॉल्स.
Reason? Every rhombus is a kite. True, yes. Rhombus is a kite, yes. Okay. तो आप क्या पता चल गया आपको इसका assertion is false, reason is true, D option आएगी. Eighth question. A quadrilateral where all sides, diagonals and angles are equal is called a square. कितना simple है ये. मैम true. Yes. Square के बारे में आपको properties पता चल चुकी हैं. Reason. Rhombus has all the properties of a kite and a parallelogram. मैम true. Kite जो होता है वो parallelogram भी होता है. Properties होती है parallelogram वाली भी होती हैं. रोम्बस में और काइट वाली भी होती हैं. इसकी बी ऑप्शन आएगी. बी क्यों आएगी, ए क्यों नहीं आएगी जबकि दोनों ट्रू हैं. बिकॉज़ फर्स्ट में स्क्वायर की बात हो रही है और रीजन में रोम्बस की. यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइन्थ. इफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल. मस्ट बी का मतलब कि वही होना चाहिए. ऐसा होता है क्या? फॉल्स है. वो तो स्क्वायर भी हो सकते हैं. डायगनल्स इक्वल है तो बेटा तो दिस इज फॉल्स. मस्ट भी हमें कह रहा है कि बस यही होगा और कुछ नहीं होगा. दैट इज रॉन्ग. दिस इज फॉल्स. रीजन इज इफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी हमें पता है कि उसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है और वो इक्वल नहीं होते. ये भी पता है आपको कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल नहीं होते. डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज विच ऑप्शन सी और डी बेटा? डी. डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ रेक्टेंगल. एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ रेक्टेंगल. ट्रू आएगा ना? यस ट्रू आएगा. यस नहीं होता. ट्रेपेजियम रेक्टेंगल थोड़ी होता है. ट्रेपेजियम जो होता है एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ रेक्टेंगल. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपेजियम. फॉल्स. यस रेक्टेंगल ट्रेपेजियम थोड़ी बन जाएगा. ओके सो दिस इज फॉल्स. तो आपकी सी ऑप्शन आएगी. सी ऑप्शन. वेरी गुड. चलो टर्न द पेज. लास्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी का बेटा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जल्दी से मेरे को आंसर बताते जाना आप. द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलेटरी रेगुलर. प्लीज राइट डाउन रेगुलर. ठीक करो स्पेलिंग ठीक करो इसके. रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:4. रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल की आपको बेटा रेशियो दी हुई है 1:4. Answer the following questions. Let one of the exterior angle of a polygon is x degree. अगर exterior angle आपके पास x degree है तो फिर interior angle क्या होगा? ये तो बहुत अच्छे से आप बता पाओगे मेरे को. Everybody knows. First question की कौन सी option आएगी? C option. 180 degree minus x. पता है ना सबको? What is the sum of interior and exterior angle? कौन बताएगा? सी ऑप्शन. 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री. बकेट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन है. आपको पता है कि 1 प्लस एक्स आपको लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू जब भी आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आता है इज इक्वल टू 4x. रेशियो वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करती हो ना दोनों को 1x और 2x सपोज करते हो 4x तो उनका सम क्या होगा. व्हाट इज x प्लस 4x. 5x. 5x. ठीक है आपका टाइम भी हो रहा है अभी तो
दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, या क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, x की वैल्यू निकाल के यू कैन फाइंड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल. आपको मैं हिंट दे रही हूँ, प्लीज कैलकुलेट एट होम. बी ऑप्शन आ रही है, प्लीज मार्क इट. यू कैन फाइंड आउट बेटा x निकाल के, 1x और 4x निकाल लोगे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी. बी ऑप्शन इज देयर. थर्ड क्वेश्चन की ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है. साइड्स ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल. रिटन दिस फॉर्मूला इन नोटबुक, सबको बताइए. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड पॉलीगन हैज, कितनी साइड्स हैं इसकी, साइड फॉर्मूला बता दो मेरे को. Find the sides. ये भी आपने लिखा हुआ है. साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. प्लीज इसकी ऑप्शन आएगी डी, टेन आएगा, ठीक है बेटे. अगर अभी कैलकुलेट अपना टाइम होने वाला है तो आप यू कैन डू एट होम ऑल्सो. इसकी ऑप्शन आएगी. चलो सी यू बेटा, क्वेश्चन एंड डू फिल इन द टेस्ट. ओके, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ है. मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम टेस्ट आपने कुछ टेस्ट कहा था. मैम आई कांट हियर यू. ओके, टेस्ट की आपने तैयारी करके रखनी है क्वाड्रिलेटरल्स की. ओके, क्वाड्रिलेटरल का आपका टेस्ट होगा. ओके, मे बी इट कैन बी टुमारो, इट कैन बी टुमारो इज हॉलीडे, मे बी नेक्स्ट थर्सडे को या फ्राइडे को. ओके बेटा. ओके मैम, प्लीज रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज एंड डू वेल. ओके मैम, ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. वेलकम. Thank you.